गाइस कैसे आप सब लोग, होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो गाइस हम लोग फाइनली वापस आ चुके हैं दोबारा इस नए गेम प्ले वीडियो में, वो भी बियर फैक्ट्री के। गाइस हम लोग ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हम लोग ने मेहनत करके धीरे धीरे करके, हम लोग बस पैसा बिल्कुल भी नहीं था तो हम लोग पूरा कंगाल हो चुके थे, लेकिन फिर हम लोग को 2000 रुपए कैसे तैसे थोड़ा बहुत बोरिया बेच के, माल्ट की बोरी की बियर की बेच बाच के उसको प्योरीफाई करके हम लोग बेचे और 2000 रुपए कमाए। और 2000 कमाने के बाद हम लोग ने ओपन किया था बॉटलिंग रूम, लेकिन बॉटलिंग रूम में हम लोग बॉटल भी ऑर्डर किए थे और हम लोग को कुछ काम करने के लिए वो बोला था, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा वहाँ पे, हम लोग को कुछ नहीं मालूम था बॉटलिंग रूम में। लेकिन आज हम लोग इस एपिसोड में वही काम करने वाले आगे, तो जल्दी से गेम के अंदर चलते हैं और फटाफट से आज का दिन चालू करते हैं। तो लेट्स गो गाइज। तो गाइज फाइनली हम लोग गेम के अंदर आ चुके हैं और अभी सुबह सुबह का वक्त हो रहा है और हम लोग अपना ऑफिस खोल लिए, जल्दी से फटाफट से चलते हैं और जो बॉटलिंग रूम मैंने खरीदा था पिछले वाले एपिसोड में उसको ओपन करते हैं। वो यहाँ पीछे साइड है, तो मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा यार खुलने के लिए, यार मतलब यार ये खुलना पड़ता है, थोड़ा दिक्कत वाला चीज़ है। ठीक है कोई बात नहीं, मैंने वैसे बॉटलिंग रूम चेक नहीं की थी कि वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन मैंने बॉटल मंगा लिया था पहले क्योंकि मुझे बोला गया था ओपन द एंट्री ऑफ द बॉटलिंग रूम। ओके भाई खोल रहा और देखते हैं अब इसके अंदर हम लोग को क्या मिलने वाला है, जरा चेक करते हैं अंदर। ओ भाई यहाँ पे कचरे जरूर मिलते हैं, मैं जहाँ जाऊँ भाई कचरा जरूर मिलता है, मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ आती इतने कचरे क्यों मिलते हैं भाई। ठीक है ये कचरा, अभी कचरा उठा लेते फिलहाल। और क्या बोला है, ओपन द राइट गेट, अच्छा राइट गेट बोला, एक बार वो खोल लेते हैं। क्या बोला, यू हैव रिसीव्ड अ न्यू टर्निंग पार्ट स्पॉइलर वन, पता नहीं यार ये टर्निंग पार्ट क्या मिलता रहता है बार बार, इसको खोल लेते हैं। खुल जाए भाई खुल गया ये, ठीक है डन। ये वाला साइड भी खुल गया, अब ये वाला साइड भी खोलना है, खुल लेंगे ये वाला साइड भी, क्या रखा है यार 2 सेकंड में खुल जाती है, ये भी खुल गई। लो डन, ऑर्डर अ पैलेट ऑफ एम्प्टी बॉटल्स, मोर यू ब्रू मोर यू नीड देम। ओ यानी कि हम लोग को पैलेट ऑफ मतलब एक पूरा वो आता है ना यार पैलेट, उसको हम लोग को कुल मिला के उसमें जितने भी बॉटल वो मंगाना है। फिर बोला आप जितना ज़्यादा ब्रू करोगे उतना ज़्यादा आपको बॉटल लगेगा, यानी कि मैं जितना ज़्यादा ब्रू करूँगा उतना ज़्यादा बॉटल लगेंगे, लेकिन यहाँ पहले कचरे हटाने पड़ेंगे यार, बहुत गंदगी है बहुत यार, ऐसे गंदगी में मैं नहीं चलाने वाला भाई मेरा, तो जल्दी जल्दी जाए फटाफट से यहाँ पे जितनी गंदगी है ये साफ सफाई कर लेते हैं हम लोग। यार ये मेरे को पोसाती नहीं यार, मैं काम करता हूँ इसको उठाता हूँ और उस साइड फेंक देता हूँ, उस साइड में थ्रो मारता हूँ दूर में और वहाँ उस साइड वो चले जाएगा तो ठीक है। तो गाइज अभी मैंने सोचा कि ये जो कचरे जितने भी पड़े हुए हैं इसके लिए क्यों ना मैं एक एम्प्लॉय हायर कर लूँ, तो मैंने एक एम्प्लॉय हायर कर लिया है, मतलब मेरा ही जो पड़ा हुआ है वो वाला एम्प्लॉय जो धीरे धीरे से फटाफट से चलता भी नहीं है, तो मैंने उसको हायर किया है, जाके जितने भी कचरे हैं वहाँ से वो फेंक लेगा। अभी वहाँ कहाँ जा रहा है भाई, इतने सारे कचरे रखे पता नहीं ये साफ कर लेगा, मैंने इसको हायर कर लिया। तो मेरे को अभी यहाँ पर बोला कि पैलेट ऑफ एम्प्टी बॉटल्स मंगाने, तो मैं मंगा लेता जल्दी जल्दी से, रुको यहाँ पे देखो एक मैं मंगा लेता, सोच रहा हूँ एक पैलेट नहीं क्वांटिटी कितनी रखने, कम से कम यार सोच रहा हूँ 10 रख देता हूँ मैं फिलहाल के लिए। ठीक है ये 10 मंगा लेते हैं, बाकी मेरे पास अभी पड़ा हुआ है फिलहाल जितने मैं मंगा देता हूँ, अभी मेरे पास जितने पड़े हैं ना उसको मैं फिलहाल लेके चले जाता हूँ जल्दी से फटाफट से। ठीक है यहाँ पे जितने ही पड़े वहाँ पे वो क्या आया, मेरे को वो चीज़ समझ नहीं आ रहा, ये कैसे साफ सफाई कर रहा है भाई, यहाँ पे कचरा उठा रहा है वहाँ पे जा रहा है, ये रुको यार यहाँ पे देख लेता हूँ ये क्या बक्सा है। ठीक है यू हैव रिसीव्ड अ न्यू टर्निंग पार्ट व्हील्स टू, ओके हम लोग टर्निंग पार्ट एक वो कर लिए रिसीव। यार कचरा फेंकना भाई खड़ा क्यों हो जा रहा है मेरे को समझ नहीं आता छोटे छोटे बात में, लेकिन कोई बात नहीं। सेलेक्ट द स्टोर्ड बियर एंड लॉन्च द इंजन, सेलेक्ट द स्टोर्ड बियर ये क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द स्टोर्ड बियर एक काम करते हैं, अभी जितने भी आए हैं ये यहाँ पे पैलेट के बॉटल रखे, इसको भी मैं सोच रहा हूँ वहाँ उठा के लेके चल जाता हूँ, लेकिन इसको पहले उतार लेते हो इसके अंदर जितने पड़े हैं, ये हम लोग बैठते जल्दी से फटाफट से अपने फोरक्लिफ्ट में और इसके अंदर जितने बचे हैं उसको मैं उतार लेता हूँ, क्योंकि भाई उतारना तो पड़ेगा। चलना भाई क्या दिक्कत हो गई तुझे, क्या दिक्कत हो गई है, चल नहीं रहता भाई गाड़ी, क्या दिक्कत हो जाती है, कभी कभी मेरे को भी डर लगता है भाई इसको हो क्या जाती है, कभी कभी चलती नहीं है पता नहीं क्या ही दिक्कत आती है इसको, लेकिन जल्दी जल्दी जितने भी फटाफट से हमारे अभी सामान आया है उसको मैं उतार लेता हूँ। सोच रहा हूँ हाँ भाई तू कचरे फेंकते रहे मेरे को ऐसे रेपुटेशन पॉइंट आते रहेंगे, लेकिन उस साइड का भी जाकर कचरा फेंक दे भाई, मैंने तुझे उस साइड भी हायर किया था, लेकिन पता नहीं भाई ये उस साइड क्यों नहीं जा रहा है, लेकिन जो भी अभी फिलहाल हम लोग जल्दी जल्दी से यहाँ से उतरते हैं। अरे भाई ऐसा मत कर, हाँ एक सेकंड अभी उतरो गाड़ी से और जल्दी जल्दी से इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, डोर ओपन करते हैं और इसके ऊपर गाड़ी चढ़ानी पड़ेगी ना हम लोग को, तो जल्दी जल्दी से फटाफट हम लोग गाड़ी चालू किए इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा लेते हैं। चलना भाई क्या दिक्कत होगी, ऊपर उठाना पड़ेगा क्या, अच्छा ऊपर उठानी पड़ेगी ना यार, ये हो गई पटपट से, जल्दी जल्दी से अंदर जा, जल्दी जल्दी से अंदर जा, जाता जा। अरे यार ये इसमें फंसती का आइकॉन है मुझे नहीं समझ आता, थोड़ा नीचे आया थोड़ा नीचे आया थोड़ा अंदर जा भाई, इसको थोड़ा सा अपन को धीमे धीमे आँच में निकालनी पड़ेगी, निकाल लेते हैं फटाफट से जल्दी जल्दी से इसको। अरे 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 ठीक है गाइस हम लोग इसको फाइनली लॉक कर चुके हैं। अरे ऊपर उठा ले भाई, ऊपर उठा ले, ऊपर उठा ले, पीछे 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 आड़ दे चल निकल घर निकल, चल हो गया इसका काम जो भी है गाइस, इसको फटाफट से हम लोग ड्राइव करके हम लोग उस साइड लेके चल जाते, लेकिन उस साइड लेके कहाँ से जाएंगे,
अच्छा मेरे ख्याल से उस साइड बाहर से रास्ता है, तो उस साइड से लेके जा सकता हूँ क्या? मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ कि बाहर से उस साइड से रास्ता है तो क्या मैं उस साइड से इसको ड्राइव करके लेके जा पाऊँगा? क्या मुझे देखना पड़ेगा? बाकी मैं जल्दी जल्दी से इसको ड्राइव करता हूँ और लेके, अच्छा इस साइड से मैं नहीं जा पाऊँगा लग रहा है गाइस, लेकिन मैं इसको फिर लेके किस साइड से जाऊँगा यार? ये जितने भी बॉटल है ये थोड़ी दुविधा की बात हो गई है। मेरे ख्याल से यार उस तरफ से एक रास्ता खुलता होगा, वो रास्ता मेरे को खोलना पड़ेगा मेरे ख्याल से आएगा। जब खोलूँगा तभी उसको लेके जा पाऊँगा, वरना ये खुलेगा नहीं तो जाने में दिक्कत हो जाएगी। मेरे ख्याल से उस साइड से खुलेगी जो भी है जगह, तो मैं इसको जल्दी जल्दी से लेके चलता हूँ। और हम लोग को अभी बोला गया कि जितने भी बॉटल मंगाए हैं हम लोग को, वो जो जगह है बॉटलिंग रूम उधर इंजन चालू करना है, बॉटल के अंदर हम लोग को बियर भरनी है। यानी कि हम लोग बियर भरने के बाद मेरे ख्याल से आएगा सब लोग को चालू हो जाएगा। यहाँ पर अभी मैं रोकता हूँ गाड़ी और उतर के जल्दी जल्दी से ना यहाँ का भी की मुझे लगा खुलनी पड़ेगी आई गेस। यहाँ के खुलती है क्या? ठीक है ये खुलती है गाइस, मतलब हम लोग के लिए इजी हो गया, यहाँ से मैं गाड़ी चला के ले जा सकता हूँ जो कि इजी चीज़ हो गई मेरे लिए। तो फटाफट से अभी चलते हैं और यहाँ का कचरा तो अपना एम्प्लॉय साफ कर लेगा। अभी 8-9 मिनट तक वो काम करेगा तो ये जितना भी और कचरा है वो उठा उठा के धीरे धीरे लेके जा रहा है। हाँ भाई आ जा आ जा, और ये उठा के ले जाकर वहाँ चुपचाप से डाल दियो जितने भी कूड़ेदान में, वरना तेरी तो ऐसी की तैसी कर दूंगा। मैं सोच रहा हूँ इसको मैनेज करके एक जगह रख देता हूँ ये कचरों को, ताकि इसके लिए इजी पड़ जाए और ये इजीली लेके चल जाए। फिलहाल मैं गाड़ी चला के अंदर बॉटल लेके चलता हूँ, उसके बाद यहाँ पे जितने कचरे हैं ना मैं इसको एक तरीके से ला के रख दूंगा, क्योंकि यार मेरे लिए ईजी हो जाएगा थोड़ा। तो यहाँ पे एक फटाफट से गाड़ी से उतार लेता हूँ बॉटल जितने भी है, तो ये बॉटल मैंने जो है यहाँ उतार लेने हैं जल्दी जल्दी से फटाफट से, और भी जितने बॉटल है उसको मैं लेके आ जाता हूँ। यार जितने भी मैंने किया है गैस उतने पूरे के पूरे तो नहीं हो जाएंगे मेरे ख्याल से, तो अभी मैं इसको हटा लेता हूँ जल्दी जल्दी अपने गाड़ी से। ठीक है, अरे भाई नीचे हो जा नीचे हो जा नीचे हो जा, हाँ अब आ जा। अब ये फाइनली छूट गई है गाड़ी, तो अपन वो वाले जितने भी बियर के मतलब एम्प्टी बॉटल रखे वो भी लेके आते हैं फटाफट से, और उसको लेके आने के बाद हम लोग फटाफट से यहाँ पे जो अपने मशीन है उसको चालू करते हैं और जितने भी बॉटल हैं उसमें भर के देखते हैं बियर की कैसी बियर निकलती है। भाई मैं भी पी के देखूँगा थोड़ा सा, मतलब कौन सा रियल में पीने वाला हूँ भाई, तो इसमें पी के देखेंगे और टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा लगता है। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बाकी तुम लोग का मुझे नहीं पता भाई, लेकिन तुम लोग जो भी देख रहे हो इस वीडियो को तब तक लाइक कर दो यार, मतलब मज़ा तो आ रहा होगा तुम लोग को कर रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी जल्दी वो वाला बॉटल लेकर आते हैं और फटाफट से हम लोग का जितना भी यहाँ बॉटलिंग का काम है वो चालू करते हैं। तो गाइस फाइनली जिस सैनिटरी कंट्रोल रिपोर्ट आई है उसमें देख रहे हो तुम्हारा भाई एकदम साफ सुथरा रखा है अपनी जगह को, और देख सकते हो जो मैडम आती वो चेक करके गई थी और बोली कि हमारा जो ऑफिस है वो बहुत ज़्यादा साफ सुथरा रखता है। तुम्हारा भाई साफ सुथरा रखता है हर चीज़ को, जानते हो ना। अब गाइस हम लोग को, मैं तुम लोग को एक चीज़ बताना भूल गया, तो मेरे जो बॉटल्स थे वो सब मैं यहाँ लेके आके रख चुका हूँ, और यहाँ पे जो मेरी गाड़ी है उसको यहीं पे पार्क कर रखा हूँ, क्योंकि क्या है ना इजी पड़ेगा गाइस यहाँ से मैं वो करके फिर उठा के ले जाने को, इसलिए पहले जल्दी जल्दी चलते हैं और फटाफट से इंजन चालू कर लेते हैं। इंजन कहाँ से चालू होता है? इधर से चालू होता है इंजन। भाई इंजन चालू करना है भाई, हट जा। इंजन किधर से चालू करनी है? इंजन किधर से चालू होती है? अच्छा इधर से, ओके। फिर क्या करना है? सेलेक्ट द स्टोर्ड बियर एंड लॉन्च द इंजन मेन, कैसे? प्रोडक्शन लॉन्च, कैसे? किसको सेलेक्ट करना है भाई? चालू कैसे करते हैं भाई? अरे हो जाना भाई, चालू कैसे होती है? नो स्टोरेज सेलेक्टेड, हाँ स्टोरेज करना है सिलेक्शन, तो स्टोरेज कहाँ से सेलेक्ट होता है भाई? अभी मुझे समझ नहीं आया स्टोरेज कहाँ से सिलेक्शन होता है भाई, है जी स्टोरेज कहाँ से निकलेगा? मेरे को ये चीज़ समझ नहीं है, स्टोरेज हम लोग कहाँ से लेंगे, है जी ये अजीब सी बात है। स्टोरेज हम लोग को सेलेक्ट करना है, स्टोरेज कैसे सेलेक्ट करेंगे गाइस? स्टोरेज का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ से भी बॉटल मैनेजर है, यहाँ पे भी बॉटल मैनेजर है, स्टोरेज कहाँ से सेलेक्ट करना है? अरे स्टोरेज का भी कोई बता दो रे बाबा, स्टोरेज कैसे आती है स्टोरेज? ये देखो एसुस, ओ माय गॉड, लेकिन स्टोरेज कहाँ से सेलेक्ट करूँगा गाइस मुझे समझ नहीं आ रही है। स्टोरेज 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 किधर है यार? प्रोडक्शन सेटिंग्स, प्रोडक्शन सेटिंग्स में भी नहीं है ये मेरे ख्याल से, लेकिन इधर भी नहीं है, तो किधर से होगा ये? ओहो गाइस अभी मेरे को समझ आ गया फाइनली, हम लोग को ये लॉन्च करना है, तो अभी मेरे ख्याल से लॉन्च करना होगा ना आई गेस। ओ अच्छा गाइस फाइनली जो है हम लोग का वो चालू हो चुका है यहाँ पे फटाफट से, और ये हमारा जो अभी स्टोरेज करना है, ठीक है ये स्टार्ट कर दिया हम लोग, ये तो हो गया काम। अभी हम लोग को आगे क्या करना है? वेट फॉर द मशीन टू बॉटल एटलीस्ट वन बैच, यू नीड टू पिट एम्प्टी बॉटल्स एट द इनपुट ऑफ द मशीनरी। ओ माई गॉड यहाँ पे मेरे को वो लगाना है, इनपुट ऑफ द बॉटल्स रखने, तो कहाँ रखना है बॉटल्स मुझे ये नीचे से पता। अच्छा हम लोग ये वाले मशीन को भी यूज़ कर सकते, तो हम लोग को फटाफट से ये वाला भी चालू कर लेना चाहिए आई गेस। तो ये वाला भी स्टार्ट हो गया, ठीक है अभी फटाफट से जितने भी एम्प्टी बॉटल्स हैं वो मेरे ख्याल से इस जगह पे रखनी है। तो एम्प्टी बॉटल्स कैसे उठाऊं? पहले ग्रैब करते हैं और इधर इसको रखता हूँ मैं। अरे 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 भाई बॉटल फूट जाएंगे भाई, उठा के रखो एकदम प्यार से रखने का, एकदम प्यार से रखने का एकदम। ठीक है अभी इससे निकालूंगा कैसे मैं बॉटल, आए अभी ये निकलेगा कैसे इससे बॉटल? भाई ये अच्छा टाइम पास करा रहे भाई, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है।
भाई मुझे चीज समझ आ नहीं रही है अभी, इसको कैसे करने का है? इसे बॉटल निकालेंगे कैसे हम लोग यार? यहाँ पर रख दूँ मैं एक साथ कि हम लोग को एक साथ बॉटल कहाँ ले जाके रखनी है? मुझे नहीं समझ आया, इधर बॉटल रखना है, उधर बॉटल रखना है। अच्छा तो गाइज हम लोग को बॉटल इसके ऊपर रखनी है, मेरे को तो उस साइड से लगा इनपुट होगा। हैं जी, ये अजीब बात है। अरे ऊपर चढ़ जा मेरे भाई, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। ओ गाइस फाइनली हम लोग ने बॉटल रख दी है, और भी जितने बॉटल है वो फटाफट से रख देता हूँ, तुम्हारा भाई को समझ आ गया क्या करना है। अरे तुम्हारा भाई अकेले कर लेगा ये सब चीज़, मेरे को इम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है, मैं इम्प्लॉय रखता नहीं हूँ यार, पता नहीं यार बहुत आलसी है इम्प्लॉय और बहुत धीरे धीरे करते यार, और ऊपर से मेरे पास अभी पैसे भी ज़्यादा नहीं है, $100 में मैं क्या ही घंटा करूँगा। अरे भाई ये बेफालतू का कुछ काम कर रहे हैं क्या, मैं इसको जाके यार फायर कर देता उसको पैसा दे के, वरना भाई मेरे को, अरे यार ये कचरे फेंकता भी नहीं है, कितना धीरे धीरे काम करता है भाई। एक काम करो मैं इसका वेजेस जल्दी जल्दी से दे के आता हूँ, मेरा वहाँ बॉटलिंग का काम है यार, इसको भी देखते रहो यार बैठ के यार, ये मुझे बस यही चीज़ नहीं पोसाती यार, मतलब कितना बेकार लगता है। इसको भी देखो वहाँ काम भी देख रहा है, तुम भाई निकल, मैं कचरा खुद ही से फेंक लूँगा भाई, तू निकल निकल बस, तेरे को पे किया तो निकल बस, हो गया, मेरे को तेरा अब से काम ही नहीं कराना तेरे से, निकल बस निकल, देना ही नहीं है भाई, निकल यहाँ से। अब यार नेक्स्ट पेज एक कब चल भी रहे काम इसको, तो इसको चलने देते यार, फिर वो पैसा चल ही रहे नेक्स्ट पेज का, तो तू हायर भी रहे अभी मेरे हिसाब से, तो अभी काम कर, इसके बाद ये जब इसका काम ये हो जाएगा ना, ये लास्ट पे चेक दूंगा, इसके बाद दूंगा ही नहीं पैसा भाई। बेफालतू यार मेरा बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया यार, मतलब नहीं है यार, इससे मैं बेफालतू काम करा रहा हूँ, मतलब इतना आलसी मैं अभी तक कोई इम्प्लॉय नहीं देखा हूँ भाई मेरे, मतलब क्या काम करते, मुझे तो यही नहीं समझ आता, वही चीज़ नहीं समझ आ रही, लेकिन कोई बात नहीं। अभी फिलहाल हम लोग जल्दी जल्दी से जितने भी मशीन है उसमें हम लोग जितने भी हमारे हो सकते हैं उसको जाके रख देते हैं, तो फटाफट से अनपैक कर देता हूँ मैं गाइस जितने भी है, तो यहाँ पे क्या गाइस अपने जितने भी बियर बॉटल है वो जल्दी जल्दी जाना चालू हो जाएगी, तो इसको भी अनपैक कर देते हैं, इसको भी अनपैक कर दिए, ठीक है डन, इसको भी अनपैक कर देता हूँ, इसको भी अनपैक कर देता हूँ, और इसको भी अनपैक कर देते हैं, और इसको भी अनपैक कर देते हैं, तो ये अभी जाने लगे लाइन से, और हम लोग का जो बियर, ओ क्या लग रहा है गाइस, देख रहे हो तुम्हारा भाई, यहाँ पे हम लोग को दिखाया तक क्या आ रहा है कि हम लोग के पास रेसिपी जो है नन है। अरे भैंस की रेसिपी की कैसे नन हो सकती है, मैंने तो बनाया बियर, स्टोर्ड क्वान्टिटी 86 लीटर था, अभी भरते जाएगा, ठीक है भरने दो, देख रहे हो मशीन क्या चल रही है भाई, ओहो हो हो। तो ऐसा गाइस असली फैक्ट्री में भी होता है, बियर फैक्ट्री में अभी हम लोग देख देख के कुछ कुछ चीज़ सीख सकते हैं, और तुम्हारा भाई का लोगो देख रहे हो क्या जबरदस्त आ रहा है, ये लोगो में सोच रहे हो बियर फैक्ट्री का चेंज करेंगे, हमारा खुद का बनाएंगे, तो ये फाइनल प्रोडक्ट आ गया, बाय एंड प्लेस अ बॉटलिंग मशीनरी। अच्छा हम लोग को बॉटलिंग मशीनरी भी खरीदना है, अरे यार अभी बॉटलिंग मशीनरी खरीदने के लिए बोल रहे हैं, बॉटलिंग मशीनरी मुझे एक बार जाके देखना पड़ेगा, फिलहाल ये वाला काम होने देते हैं और हम लोग जल्दी जल्दी से फटाफट से चलते हैं और बॉटलिंग मशीन कंप्यूटर में देख के आते हैं, मुझे आइडिया नहीं है बॉटलिंग मशीन कितने की होगी, देख लेते हैं कंप्यूटर में पता चल जाएगा, अभी मेरे को पक्का बोलेगा 2-3 हज़ार करोड़ का बोलेगा वो, ये बॉटलिंग मशीन लगेगा भाई, इतने सारे पैसे का है कैसे करोगे, तो अभी फटाफट से देख लेते हैं बॉटलिंग मशीन कितनी पड़ेगी, तो बॉटलिंग मशीन भी हम लोग फटाफट से चेक करते हैं, बॉटलिंग मशीन क्या इधर ही होगी मेरे ख्याल से, अपग्रेड में होगा इंडस्ट्रियल मशीनरी नहीं, ग्रेन क्रूजर कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी ब्रूवरी है इधर, ठीक है टूल शॉप में नहीं है इधर, डिलीवरी में भी नहीं है, लोकल प्रोडक्टर में भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तो ये सब अभी क्या ही लेना अपने को, फोर्कलिफ्ट नहीं, एम्प्लॉयज नहीं, ब्रूवरी नहीं, ब्रूवरी में ये लोगो अपना चेंज करेंगे गाइज, अपना अच्छा वाला बना के लाएंगे, बाकी यार यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेशली मुझे दिख रही नहीं, तो वो क्या बोला बाय एंड प्लेस अ बॉटलिंग मशीनरी, बॉटलिंग मशीनरी में खरीदूँ कहाँ से, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, बॉटलिंग मशीनरी कहाँ से खरीदेंगे हम, बॉटलिंग मशीनरी कहीं से मिलती है क्या, कि बॉटल खरीद के हम लोग को मिलेगा बॉटलिंग मशीनरी, समझ नहीं आया, लेकिन पता नहीं देखना पड़ेगा यार बॉटलिंग मशीनरी किधर होगी यार, मतलब किसको भी थोड़ा सा समझ आना चाहिए ना, बातचीत कैसे होगा भाई, बॉटलिंग मशीनरी इधर होगी क्या, अरे आ जाना मेरे भाई, बॉटलिंग मशीनरी नहीं यार कहीं पर भी नहीं है, सही में नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इधर भी नहीं है, डॉक्स है पता नहीं है, पता नहीं इंडस्ट्रियल मशीनरी में ये है बस, तो यार बाय एंड प्लेस अ बॉटलिंग मशीन रही, हम लोग को देखना पड़ेगा, चलता हूँ उधर गाइस और देखते हैं उधर कैसे होता है बॉटलिंग मशीनरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब यार क्या हो रहा है, बॉटलिंग मशीनरी लेके आनी है मुझे, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो जितने बॉटल बने हैं ना हम लोग उसको एक बार चेक करते हैं कि हम लोग उसको रख किधर सकते हैं, अगर रख पाएंगे तो अच्छी होगी हम लोग के लिए, अच्छा मशीन चल रही थी तो ये क्या उठा लेता हूँ मैं ऐसे, तो फिर उसको उठाने के बाद क्या करना है, बॉटलिंग मशीनरी अच्छा इसमें आ जाएगी, तो अभी मेरे को यहाँ जितने और बचे हैं ये मैं डालते चले जाता हूँ, यहाँ पे हो ही रहा है काम, तो ये सबसे भी करवा ही लेते हैं हम लोग काम। तो गाइस मुझे फाइनली मिल चुका है कि बॉटलिंग मशीनरी कहाँ से मिलेगी, ये जो टूल बॉक्स है, ये टूल बॉक्स को जब हम लोग
पता करेंगे तब हम लोग को यहाँ पे जाके इसके अंदर ये जो बॉटलिंग मशीनरी है ये कुछ 1000 रुपये की मिलेगी, लेकिन हमारे पास अभी कुल मिला के 122 रुपये। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा पैसा कमाना पड़ेगा, यानी कि मैं सोच रहा हूँ एक ना लार्ज कॉन्ट्रैक्ट ही ले लेता हूँ मैं बड़ा सा, उसमें क्या बड़े बड़े काम करूँगा तो जल्दी जल्दी पैसा कमाई होगा। तो अब ना मैं मीडियम कॉन्ट्रैक्ट से हटा के लार्ज कॉन्ट्रैक्ट में चले जाता हूँ डायरेक्ट, एक काम करते जल्दी जल्दी से कंप्यूटर में चलते फटाफट से, और हम लोग फटाफट से अपना जो मीडियम कॉन्ट्रैक्ट है ना उसको हम लोग हटा के यार अपना डायरेक्ट लार्ज उसमें चल जाता कॉन्ट्रैक्ट में, सोच रहा हूँ क्योंकि यार ये बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को, पता है बार बार ऐसे ना दिक्कत होती रहेगी तो मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा यार। कॉन्ट्रैक्ट कैसे हटाते यार इन्वेस्टर, हाँ ये देखो होल्डिंग, एक काम करते हैं इसको हम लोग साइन कर देते हैं फिलहाल के लिए, और इसके जितने भी रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट हम वो करेंगे फिलहाल मैं सोच रहा हूँ। इसके कॉन्ट्रैक्ट आएंगे क्या भाई अभी अच्छे टाइम में? फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना 25,000 का इन्वेस्टमेंट मैंने ले लिया, हे भगवान मेरे को 25,000 रुपये मिल तो गए हैं, लेकिन अभी मैं फिलहाल एक मशीनरी रूम मंगा लेता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि भाई मुझे मशीनरी रूम मिल गया है। तो मैं काम ये करता हूँ कि मशीनरी रूम जल्दी जल्दी से परचेस करके लगा लेता हूँ, क्योंकि मेरे को इन्वेस्टमेंट तो मिल गया गाइस, मैंने कैसे तैसे दिमाग लगा दिया आज साल मेरे पास 25,000 रुपये आ तो गए हैं, लेकिन वही वाला बात है कि अब मैं वापस से अगर इसको स्विच करके साइन इन करूँगा तो मेरे लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम लोग एक मशीनरी रूम बाय करके लगा देते हैं। कहाँ पर लगाए यार इसको? थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते और इस साइड लगा लेते, इस साइड लगाऊंगा ना तो थोड़ी अच्छी दिखेगी। ठीक है गाइस, तो मैं सोच रहा हूँ इस साइड यहाँ पे इसको लगा लेते हैं हम लोग। तो गाइस फाइनली मैंने इस साइड एक मशीनरी रूम लगा दिया, अभी लगाने के बाद हम लोग इसको यूज़ कैसे करेंगे मुझे तो ये भी नहीं पता है, लेकिन ठीक है जो भी, हम लोग इसको एक बार देखते हैं कैसे यूज़ करने वाले। मशीनरी रूम यही तो है ना जो ये यहाँ पे लगे, ये वही तो है सेम टू सेम। अरे ये उस साइड का एक चले गए भाई उसका मुँह, अरे यार मेरी गलती हो गई क्या, मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया, अब मुझे इसको कैसे वापस से कैसे हटाऊँगा मैं, इसको देखना पड़ेगा गाइस, इसको मेरे को रोटेट करके हटाना पड़ेगा। इसको मैंने हटा के यहाँ पर, रुको इसको मैं वापस से इसको रोटेट मार लेता थोड़ा, वरना ये थोड़ा ना दिक्कत हो जाती है मुझे बार बार कि मैंने ऐसे लगा लिए, तो इसको इस डायरेक्शन में थोड़ा लगा लेते हैं, हाँ इस डायरेक्शन में इधर लगा लेते हैं, यस अभी इसको इस जगह पे लगा लेते हैं एंड या अब ये हो गया फाइनली ये मशीनरी चलने लगेगी। आप बोल रहे असाइन एन एम्प्लॉय ऑन अ बॉटलिंग मशीनरी, हाँ बस यही तो बचा है भैंस की, क्योंकि अब मैं एम्प्लॉय यहाँ पे हायर करके लगाऊंगा और वो एम्प्लॉय घंटा का कुछ काम नहीं करता भाई, कुछ भी नहीं काम करते, पता नहीं लोग क्या करते हैं एम्प्लॉय लोग। मैं उसको कचरा फेंकने बोला, पता नहीं कचरा फेंक दिया उसके बाद गायब हो गया। वाह वाह भाई वाह वाह वाह, मानना पड़ेगा एकदम जबरदस्त इंसान है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अभी इसको हायर कर लेता 2 सेकंड के लिए। इसको वैसे भी मुझे पे करने हैं पैसे, इसका थोड़ा टाइम मेरे पास वो है, तो मैं इसको अभी फिलहाल के लिए ना अपने साथ ले कर चलता हूँ, और यहाँ पर ना एक जगह में जाके ना यहाँ पर वो करना पड़ेगा असाइन मुझे, क्योंकि यार असाइन नहीं करूँगा ना फिर तो मुझे दिक्कत होने वाली है, इसलिए भाई असाइन कर देता हूँ। जो मुझे जॉब दी जा रही है मेरी वो मैं कर लेता हूँ फटाफट से, वरना फिर यार रोते हैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं मेरे को क्यों समझ नहीं आता। तो ये वही वाली बात हो गई, लेकिन ठीक है अभी फ़िलहाल ना रुको, यहाँ पे मशीन मुझे ऑन करने को बोला गया है तो वही वाला बात है, क्या करूँगा मैं, इसको मैं स्टॉप कर लेता 2 सेकंड के लिए और रुकना। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे अपने को, कुछ तो करने के लिए बोला है भाई, असाइन करने के लिए बोला ना, तो उसके लिए हम लोग को फटाफट से यहाँ पे वो खोलनी पड़ेगी, पहले क्या बोलते अपनी जो ये अपनी पैलेट स्लॉट खोलनी पड़ेगी ना आई गेस मेरे ख्याल से, या मैनेजमेंट वाली जगह खोलनी पड़ेगी मेरे ख्याल से। तो एक मिनट रुकते हैं हम लोग फटाफट से, और ये मैनेजमेंट वाली जगह हम लोग को यहाँ पे ना वो लगानी पड़ेगी, पैलेट स्लॉट लगानी पड़ेगी मेरे ख्याल से। तो ये एक पैलेट स्लॉट मेरे ख्याल से परचेस कर लेते हैं, और इसको इस जगह पे रोटेट कर लेते, थोड़ा रोटेट कर ले भाई, रोटेट कर ले और इसको इस साइड हम लोग लगा लेते हैं। ये हो गया फाइनली, ठीक है अब यहाँ से हम लोग को एक यहाँ पे ये लेना है, न्यू लिंक निकालनी है, और हम लोग को इसके साथ मैचअप करना है यार, इनपुट आउटपुट किस साइड तो करना है हम लोग को गाइस। अरे एम्प्लॉय किधर है भाई मेरा? अरे यार रुको यार, वो इतना बेफालतू का वहीं पड़े रहता है, मेरे को समझ नहीं आता यार कितना काम कर लेता है भाई, मेरे को समझ में नहीं आता। रुको उसको फिलहाल मैं गाइस बुला लेता हूँ, मुझे असाइन करना पड़ेगा। ये पता नहीं असाइनिंग जॉब ना मुझे सबसे ख़राब वाली जॉब लगती है, पता नहीं यार क्या ही काम के लिए होता है बस, पता नहीं लगा रखे इन लोग, इधर ही कहीं खड़ा हो गए। ओ भाई ओ चाय वाय मत बना, चला चुपचाप से चल, मुझे फॉलो कर चला जा, दिन भर बस पता नहीं चाय पीते रहेगा, चाय की चुस्कियाँ लेते रहेगा, और कुछ काम धंधा नहीं है भाई। काम कर लेना भाई, 3 करोड़ का पैसा देता उसको लगता है मैं भाई, 24,000 का मैंने यहाँ पे रोकड़े उठा रखे हैं मैं दूसरे बिजनेस वाले लोग से इन्वेस्टमेंट लेके, और ऊपर से सारे लोग को वहाँ पे जाके दीवार चाटना और चाय पीना, क्या काम धंधे के लिए रखा तुझे, इसी काम के लिए रखा। और भाई का ठसन तो देखो भाई, एकदम धीरे धीरे चल के आएगा ना, एकदम ये फालतू के जैसे इंसान के जैसे भाई, इतना धीरे धीरे क्या चलने में तुझे, क्या कमर में कोई दिक्कत है, खिंचाव विचाव है क्या? अभी मुझे इसके रुको बॉटलिंग मशीनरी इधर लगाने ना आई गेस, ये रहा तो मुझे इसको यहाँ पे एक वैलिडेट कर देनी है, और
और एक मुझे इससे निकाल के लिंक एक इसके ऊपर कर देनी है। अच्छा एक इधर वाले भी मशीन में भी करने हैं, तो ये इधर भी एक हम लोग वैलिडेट कर देते हैं और एक इधर वाले मशीन में भी एक नया लिंक निकालना है और इसमें वैलिडेट करना है। ठीक है अब आई गेस इधर से लिंक निकलेगी और ये भैंस की टांग में मुझे चिपकानी है। अरे रुक जा भाई रुक जा, दो सेकंड तेरे को दे रहा हूँ मैं, तू रो मत। अभी मुझे ये मेरे इससे बात करना होगा और इससे मुझे असाइन वर्क निकालनी पड़ेगी भैंस की, और फिर मेरे को इधर सब में इसको असाइन मारते जाना है। क्या नहीं, इसको मुझे किसी एक में ही असाइन मार सकता हूँ मैं, लेकिन ये असाइन होगा नहीं मुझे मालूम है। अरे हो जाना भाई हो जाना, क्या दिक्कत है। अरे होते ही नहीं है भाई, हो जा भाई, होता ही नहीं है भाई। देखो यार यही एक चीज़ ना मुझे पसंद नहीं आती कि भाई ये होता क्यों नहीं है वैलिडेट, क्या दिक्कत है भाई। एम्प्लॉय लिंक, अभी एम्प्लॉय का लिंक, अबे ओ जा किधर है भाई, रुक इतना स्पीड है भाई को भागने का। एक मिनट पहले मैंने इसको अपग्रेड नहीं मारी क्या, एक सेकंड मैंने चेक कर लेता हूँ गाइस रुकना। इसको मैंने आई गेस अपग्रेड मारनी है, अभी क्लीनिंग पहाड़ में जाते रहे तू मेरे पीछे। अबे आना दो सेकंड के लिए, क्या भग रहा किधर है। कॉस्ट कैन टेक केयर ऑफ ब्रू टैंक्स, भाई ब्रू टैंक्स के लिए अभी मेरे को उसको अपग्रेड करना पड़ेगा भाई, तभी होगा क्या अपग्रेड मारने पर। रुको एक बार अपग्रेड मार के इसको देखते हैं। एम्प्लॉय विल मूव फास्टर, ये भी कर लेते हैं। कैन टेक केयर ऑफ बॉटलिंग मशीन, अब लेगा ना भैंस की, अब ये इसको मैं बॉटलिंग मशीन दे। अबे ओ भगता कि भाई कितना स्पीड भगता है भाई, रुक जा। अब तू मेरे पीछे, अब मैं तेरे को बॉटलिंग मशीनरी में दे सकता हूँ। तो गाइज मैंने इसको फाइनली थोड़ा पैसा पे किया भाई, अपग्रेड करना पड़ता है यार यही।